आटे से सने पांव ने बयां कर दिया कि सिड्डू और मोमोज के लिए पांव से आटा गूंथा गया है और इसमें पंडोह बाजार में लगे हैंडपंप का गंदा पानी प्रयोग किया जाता है। इस कृत्य पर टैक्सी चालकों व स्थानीय लोगों ने त्वरित एक्शन करते हुए प्रवासियों की दुकानें और रेहड़ी बंद करने की गुहार पुलिस चौकी पंडोह में लगाई है। साथ में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। इसके बाद बाजार में स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते एक घंटे में दुकानें बंद हो गई। जो सिड्डू मोमोज बने थे उन्हें प्रवासियों द्वारा ब्यास में बहा दिया गया। माल बना के ऊपर भी रखे हुए स्टोर के साथ कौन मूछ रहा था, कौन बांट रहा था? वो बंदा है ही नहीं, छोटा छोटा लड़का है, वो छोटा वो छोटा नहीं है विशा, है सिर पे रम जाटा बज रहा ये सरदार इधर क्यों ना, ये सरदार का भी आटा था ये इधर से, ये सरदार ला दे सरदार, तो इसमें सरदार ला भी एरा तीसरी बार है रे, फिर अंदर पीछे कमरे है रे। हाँ जी नमस्कार, मैं सतीश गुप्ता गांव सरायकट। ये जो हमारे आज कुंडू में एक नौना काम हुआ है, जितने भी ये प्रवासी आए हमारे यहाँ पे, ये जितना भी फास्ट फूड बनाते हैं, चाइनीज आइटम जो भी बनाते हैं, जो भी आटा ये गूंथते हैं हाकिस, इसको पॉलीथीन का क्या बोलते हैं ग्लव्स लगा के उससे करते हैं। वैसे ये लोग तो पाँव से पूरा जितना भी काम करते हैं, ये इनका कम से कम इनके 1000 मोमो लगते हैं और चौमिन की प्लेटें कम से कम इनकी 100 से 200 प्लेटें हर रोज की इनकी बिकती है यहाँ पे। और जितने भी हमारे यहाँ पे जो हमारा पंडोह क्षेत्र है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक सेंटर पॉइंट है। जितने भी लोग आते हैं मैक्सिमम लोग इनके पास ही अपना फास्ट फूड खाते हैं। तो ये देखो, ये अभी तक किसी भी लोगों को ये पता था, तो मैक्सिमम जितने भी गांव के लोग हैं इनके पास ही खाते हैं। तो ये आटा जितना भी करते हैं पाँव से ही करते हैं, ये इनको कम से कम यहाँ पे 10 से 15 साल हो चुके हैं। वैसे तो ज़्यादा हो चुके हैं पर 10 से 15 साल इनका यही काम चला हुआ है। पहले सिर्फ यहाँ पे एक ही बंदा यहाँ पे रेडी लगाता था, आज ये कम से कम यहाँ पे 10 बंदे हैं, कम से कम एक के पीछे 10 बंदे आए हुए यहाँ पे ये। और इनकी पुल के उधर भी रेडी लगती है, अपने डैम की साइड के ऊपर भी रेडी लगती है। तो प्रशासन से और विभाग से हमारी ये गुजारिश है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये इस तरह का कोई भी काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये जो आज का जो घिनौना कृत्य है, इसका भंडाफोड़ कैसे हो, थोड़ा आप बताएंगे? इसका भंडाफोड़ जब हम ऊपर खड़े थे अपने टैक्सी स्टैंड के बाहर, तो उस टाइम वहाँ से बंदा आया और उसके पाँव में सारे ही नीचे से आटा ही आटा लगा हुआ था, उंगलियों के बीच से भी, और हमने उसकी वीडियो बनाई एक छोटी सी, तो फिर उसके बाद हमने फेसबुक में डाल दिया। जब हमने उसको पूछा तो बोला मालिक से बात करो, मालिक बोलता है फिर मालिक को बुलाया, तो वो देखा तो मालिक के पांव में भी आटा ही था, मालिक की भी वही हालत है, मालिक की वही हालत थी, मालिक की मालिक का देश है, से को आप लोगों की जो यहाँ आप यहाँ मांग क्या करते हैं भैया? मांग यहाँ पे करते हैं कि ये बंद ही होने चाहिए, प्रवासी यहाँ पे कोई नहीं चले,
और अपना लोकल बंदा यहाँ पे करे इस तरह की गंदगी जो है, इस तरह की गंदगी यहाँ पे किस करना चाहिए, जिससे हमारे चारों तरफ के गांव के लोगों को बीमारियाँ फैलती है। और सारे अंडरएज लगाए हुए हैं उन्होंने, सारे अंडरएज लड़के लगाए हुए हैं। जितने जो लड़के काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, सारे अंडरएज हैं, कोई भी 18 साल का। यहाँ पर भी लगातार 3-4 रेडी, जिसमें चाइनीज फूड, थुक्का मोमो आदि बिक्री होता था, जिसे स्थानीय लोगों ने हटा दिया है। ये पंडोह बाजार, जहां आज एक घिनौना कृत्य सामने आया है, लोगों ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इन दुकानों को तुरंत बंद करने की मांग की है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोह से बालक राम की रिपोर्ट।